नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। सावन के महीने में आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर की नकारात्मकता और वास्तु दोष भी खत्म हो सकता है, क्योंकि सावन के महीने में बताया गया है कि बहुत तेज ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सावन के महीने में ही बारिश होती है, जिससे कि हमारी जो धरती होती है इस सावन के महीने में काफी गर्म होती है। और उस गर्मी को शांत करने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसी संरचना बनाई है कि जिससे कि बारिश भी इसी समय ही होती है। आप देखिएगा, अमेरिका में जगह जगह, कैलिफोर्निया में, मैक्सिको में और जो भी यूरोपीय देश है, वहाँ जंगलों में आग लग रही है, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं हो पा रही है और इधर बारिश होती है। तो जहाँ भी हमारे जंगल हैं, उनकी धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है सावन के महीने में, और इसी कारण से सावन के महीने में भगवान हमें बारिश करते हैं। इस पे लिए सावन के महीने में आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में अगर हमारे घर में नकारात्मकता है और वास्तु दोष है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपने अब समझ लिया होगा कि सावन के महीने में ऊर्जा बहुत तेज होती है, चारों तरफ नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, इसलिए आपको अपने घर में सभी चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो पूरे महीने जब तक ये सावन है उसमें आपको अपने घर में अगर गंगा जल का छिड़काव करते रहेंगे तो आपके घर से नकारात्मकता खत्म होगी, वास्तु दोष का भी समापन होगा और आपको जो धन हानि होने की संभावना है वह नहीं होगी। क्योंकि नकारात्मकता ही ऐसी होती है जिससे आपकी सोच नकारात्मक बनती है और आप गलत काम कर सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि सावन के महीने में आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे और आपके घर में कोई वास्तु दोष ना लगे, इसलिए आपको घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। आपने अपने पूर्वजों से भी सुना होगा कि जब भी कोई पर्व होता है तो उस समय भी गंगा जल घर में छिड़कवाया जाता है। गंगा जल छिड़कवाने का अर्थ यही है कि आपके घर की नकारात्मकता को कम करना। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ की लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।